परमात्मा महावीर को प्रश्न किया गया, प्रभु यह संसार में हमें कौन बदल सकता है, आप तो चले जाओगे, 72 वर्ष का आपका आयुष्य है, आयुष्य खत्म होते ही आप चले जाओगे, हमको बदलेगा कौन ये संसार में, हम तो अनादि अनंत से चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कब हमारा ये भव निस्तार खत्म होगा हमें पता नहीं है, कब हमारी सदगति होगी हमें पता नहीं है, कब हमारा मोक्ष होगा हमें पता नहीं है, प्रभु हमें बदलेगा कौन, हमें बचाएगा कौन। और तब परमात्मा महावीर ने एक ही शब्द में प्रत्युत्तर दिया कि ज्ञान ही आपको बदल सकता है और ज्ञान ही आपको बचा सकता है। यह संसार में यदि आप बदलना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ज्ञान, और यह संसार में यदि आप बचना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ज्ञान, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में, शायद आपको 4 ऑप्शन मिलते हो, लेकिन यह धर्म क्षेत्र में एक ही ऑप्शन आपके पास है, मात्र और मात्र ज्ञान। आप चाहते हो खुद को बदलना, आप चाहते हो खुद को बचाना, तो आपके पास एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, ये ज्ञान ही आपको तिरा सकता है, ज्ञान ही आपको बचा सकता है, ज्ञान ही आपको बदल सकता है। आज का इंसान बदलना चाहता है, आज का इंसान बचना चाहता है, लेकिन ज्ञान के समीप जाना नहीं चाहता। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे महाराज जी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मंदिर जाए बिना मुंह में पानी तक नहीं डालते। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे महाराज जी विदेश में चले जाए, अन्य क्षेत्रों में चले जाए, फॉरेन चले जाए, घूमने चले जाए, लेकिन फिर भी परमात्मा की पूजा एक भी दिन छोड़ते नहीं है, बिना परमात्मा की पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि प्रतिदिन हम अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम प्रतिदिन परमात्मा की अंग रचना करते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे प्रतिदिन हम मंदिर जी में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिताते हैं, परमात्मा की भक्ति में रत रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोग संसार में आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि स्वाध्याय के बिना मेरा दिन नहीं निकलता, वंचन के बिना मेरा दिन नहीं निकलता, श्रवण गुरु भगवंत की वाणी के श्रवण के बिना मेरा दिन नहीं निकलता, गुरु भगवंत से सत्संग किए बिना मेरा दिन नहीं निकलता, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बराबर समझना, ये जीवन है, जीवन अद्भुत है, दोनों चीजें जीवन में आकर के हमको करनी है। बराबर कान खोल के सुन लेना, हम बदलना भी चाहते, हम बचना भी चाहते, लेकिन कौन बचाएगा, कौन बदलेगा, ज्ञान एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय आपके पास नहीं। आज का आदमी ज्ञान के पास जितना जाएगा उतना बदलेगा, ज्ञान के समीप जितना जाएगा उतना बच पाएगा। जितने लोग ज्ञान से दूर है उसकी बचने की संभावना बहुत कम है। आप लोग ज्ञान से दूर हो गए, ज्ञान से निकटता नहीं आपकी। आप सोचो तो सही, पिछले 1 महीने में आपने कितनी बार किताब खोल के स्वाध्याय किया होगा। माला आपके हाथ में मिलती है। कई लोग तो ऐसे महापुरुष होते प्रवचन में आकर के भी माला गिनते हैं। माला आपके हाथ में दिखाई पड़ती है, किताब आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती है। बराबर कान खोल के सुन लेना, किताब आपको बचा सकती है, किताब आपको बदल सकती है। मन ऊपर तो माला फिरती, जीव फरे वन माही, कर ऊपर तो माला फिरती, कर यानी हाथ, कर ऊपर तो माला फिरती, जीव फिरे वनमाही, चितड़ू तो चीहू दिसिए डोले, मन चारों तरह जाता हो। कर ऊपर तो माला फिरती, जीव फिरे वनमाही, चितड़ू तो चीहू दिसिए डोले, इन भजने सुख नाही। ये कौन बताएगा, ये ज्ञान बताएगा। माला कैसे गिरनी है कौन सिखाएगा, ज्ञान सिखाएगा। मंदिर जी कैसे जाना है कौन सिखाएगा, ज्ञान सिखाएगा। परमात्मा की पूजा कैसे करनी कौन सिखाएगा, ज्ञान सिखाएगा। गुरु भगवान के वंदन कैसे करने कौन बताएगा, ज्ञान बताएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, दो शब्द आपके दिमाग में बिठा दीजिए, मुझे बदलना है तो ज्ञान के पास जाना पड़ेगा, मुझे बचना है तो ज्ञान के पास जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, हम भी नहीं बचा सकते आपको, मात्र हम ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप ज्ञान का स्वीकार न करो, आपके भीतर में ज्ञान का प्रकटीकरण न हो, आपके भीतर में ज्ञान का दीपक प्रकटे नहीं, तब तक हम भी आपको नहीं बचा सकते। क्यों गुरु को इतना ऊंचा आसन दिया, क्यों गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया, क्यों दिया? क्योंकि गुरु क्या देते हैं, क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं।
हम बोलते हैं प्रतिदिन अज्ञानति मिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रम उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रतिदिन हम उच्चारण करते हैं। गुरु हमारे लिए वंदनीय क्यों है, गुरु हमारे लिए पूजनीय क्यों है, क्यों? परमात्मा और गुरु जब समीप खड़े हो तब गुरु की अवस्था ऊंची बताई गई, क्योंकि ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो सूत्र दिमाग में बिठा लीजिए, आपको बदलना है तो ज्ञान एकमात्र उपाय है, आपको बचना है तो ज्ञान एकमात्र उपाय है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।